तो दोस्तों आज हमारे पास है यहाँ पर दो तरह के डीसी मोटर्स। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरे पास है दो तरह के डीसी मोटर। दोस्तों ये मोटर है चाइना में बना हुआ है और ये मोटर अपने इंडिया में बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इसी दोनों मोटर के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि जो चाइना में बना हुआ मोटर है ये ज़्यादा पावरफुल है या फिर जो इंडिया में बना हुआ मोटर है ये ज़्यादा पावरफुल है। इन दोनों के अंदर क्या कमियां है ये भी देखने वाले हैं और दोनों के प्राइस में क्या डिफरेंस, यानी कि ज़्यादा सस्ता कौन है और ज़्यादा महंगा कौन है ये भी देखने वाले हूँ। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों एक बात कि ये दो देशों की बात नहीं हो रही है बल्कि दो देशों में जो बना हुआ मटेरियल है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि खराब है या फिर सही है, ये चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम दो देशों के बने हुए मोटर की बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों आप फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यार आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी इस तरह की वीडियो बनाए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी शट ऑन दिस वीडियो। दोस्तों ये वाला मोटर अपने इंडिया में बना हुआ है दिल्ली में, तो और ये वाला मोटर चाइना में बना हुआ है। तो दोस्तों ये दोनों मोटर का मैं कंपेयर करने वाला हूँ, देखने वाले हैं कौन सा मोटर ज़्यादा पावरफुल है और कौन सा मोटर ज़्यादा समय तक चलेगा और कौन सा मोटर सस्ता है। तो ये देखने वाले दोनों चीज़ को। तो सबसे पहले हम इस वाले अपने इंडिया वाले मोटर की बात करते हैं। तो दोस्तों ये वाला मोटर जो है ये सिंपली आपको 25 से 30 रुपये में ईजिली मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा खास है क्योंकि ये हेड ट्रिमर के अंदर लगा हुआ था तो इसलिए थोड़ा महंगा मिलेगा। वरना दोस्तों ये वाला मोटर तो आपको 10 रुपये के अंदर मिल जाएगा। ये वाला मोटर ठीक नहीं होता इसलिए बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा अलग है। अब अलग कैसा है क्योंकि इसका RPM जो है वो नॉर्मल मोटर से इसकी तुलना में बहुत ही हाई है, इसलिए इसका मोटर का थोड़ा सा दाम महंगा पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक कमी भी है कि इसका RPM तो बहुत हाई है लेकिन इसका टॉर्क बहुत लो है, यानी कोई चीज़ अगर हम इसके अंदर लगाएंगे जैसे फैन है या फिर कार हम बनाएंगे तो थोड़ा सा चलेगा। उसके बाद दोस्तों ये ओवरलोडिंग की वजह से, यानी कि इसका जो ब्रश है ये नॉर्मल सा ब्रश लगा हुआ है एक पत्ती का, जिसकी वजह से गर्म होने के बाद जल जाता है और मोटर फाइनली ख़राब हो जाएगा। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि ये ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है ये मोटर। तो एक बार मैं इसका RPM आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि RPM बहुत हाई है इसका। आवाज़ सुनना आप लोग, इसके अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको इसकी मोटर की स्पीड कितनी है। तो मेरे पास यहाँ पर एक 1200 mAh की लिथियम आयन बैटरी 3.7 वोल्ट का, तो मैं यहाँ पर इसको लगाऊंगा, फिर देखना आप लोग इसकी स्पीड। ओ भाई साहब बहुत तेज इसकी स्पीड है यार, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसकी स्पीड। यार इसकी स्पीड बहुत ही हाई है जिसकी वजह से दोस्तों जब मैं बैटरी से पावर दे रहा हूँ तो यहाँ पर ये वायर जो लगा हुआ है ये भी जल जा रहा है, इतना ज़्यादा इस पर ओवरलोडिंग हो रहा है क्योंकि इसका जो ब्रश है ये कार्बन नहीं है, नॉर्मल पत्ती का ब्रश बना है, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाएगा मोटर। अगर इसको हम 10 से 15 मिनट चला दें तो ये मोटर ख़राब हो जाएगा। ये मोटर सिर्फ 3.7 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट तक इसको हम पावर दे सकते हैं, इसके ऊपर देंगे तो ये मोटर तुरंत ख़राब हो जाएगा। और जबकि दोस्तों इसके अंदर यही प्रॉब्लम है, अगर हम इसके अंदर कोई फ़ैन लगाएंगे तो देखना आप लोग, इसका RPM बहुत हाई था जिसकी वजह से, अब देखना आप लोग इसका RPM बहुत हाई था, बहुत तेज आवाज़ कर रहा था, बहुत तेज घूम रहा था, लेकिन जब फैन लगाएंगे तो इसका RPM बिल्कुल लो हो जाएगा क्योंकि इसका टॉर्क है ही नहीं जिसकी वजह से घुमा नहीं पाएगा। अब देखना ओवरलोडिंग की वजह से वायर जल रहा है, आप देखना ध्यान से आप लोग, यहाँ पर हाथ जल गया गाइस यहाँ पर मेरा, आप देख सकते हैं मेरा हाथ जल गया यहाँ पर यार। ओ शिट, तो भाई साहब ये बहुत ओवरलोडिंग की वजह से हीट कर रहा था, मेरा हाथ जल गया यहाँ पर। मैं कुछ दूसरा जुगाड़ करूँगा इसको लगाने के लिए, मैं कुछ जुगाड़ करूँगा गाइस इसको रोकने के लिए ताकि ये रुके, जले ना इसका वायर। और अब देखना आप लोग ओ भाई साहब इसको हम 1 से 1.5 मिनट भी नहीं चला सकते, इतना ज़्यादा ये ओवरलोडिंग हो रहा है ये फैन लगाने के बाद, क्योंकि इसका टॉर्क बिल्कुल लो है, RPM सिर्फ हाई था, इसकी वजह से मैं जर भी गया गाइस, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है ये मोटर। तो इसलिए मोटर लंबे समय तो इसको हम चला नहीं सकते। हाँ ये हेड ट्रिमर के अंदर बिल्कुल फिट है क्योंकि इसके अंदर छोटा सा ये 600 mAh की लिथियम बैटरी से पावर दिया था 1 सेल से, और इसका RPM बहुत ही हाई है और टॉर्क की जरूरत नहीं ज़्यादा खास, तो इसलिए आराम से वो बाल काटता रहता है, इसलिए यहाँ पर इसका इतना ही काम है। इसकी सहायता से हम कोई कार भी नहीं बना सकते, ना ही हम इसके सहायता से कोई फैन चला सकते हैं, तो इसलिए इसका यहाँ पर रखते हैं। ये आपको 25 से 30 रुपये के अंदर इजीली आपको मिल जाएगा ये वाला मोटर। अब दोस्तों ये बात करते हैं चाइना वाले मोटर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है मेड इन चाइना और इसके अंदर कुछ नंबर दिया हुआ है यहाँ पर।
दोस्तों ये वाला मोटर 1.5 वोल्ट से लेकर आप इसको 12 वोल्ट तक आराम से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। खास बात यह है कि ये वाला मोटर जो है वो गर्म नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बन ब्रश लगा हुआ है। इसके अंदर नॉर्मल ब्रश था, इसके अंदर नॉर्मल ब्रश लगा होता पत्ती का, जबकि इसके अंदर कार्बन ब्रश है और कार्बन जब लगा होता है तब चाहे इतना वोल्टेज दो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तो इसलिए यह मोटर गर्म नहीं होगा। और इसका दोस्तों एक नेगेटिव पॉइंट है जो इसका प्लस पॉइंट था, इसका आरपीएम है जो बिल्कुल से लो है। आरपीएम बहुत हाई तो नहीं है लेकिन टॉर्क इसका बहुत हाई है। इसके साथ अगर हम फैन चलाएंगे तो जितना स्पीड चलेगा उतना ही चलेगा, इसके मोटर पे कोई खास लोड नहीं होने वाला है। तो मैं आपको एक बार चलाकर दिखाता हूँ, फिर देखना आप लोग। यहाँ पर मैं इसको लगाऊंगा और तो आप देख सकते हैं चल रहा है, थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं कर रहा है। और दूसरी खास बात कि ये थोड़ा गर्म भी नहीं हो रहा, मैं अपने हाथ से पकड़ रखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मोटर थोड़ा सा भी गर्म नहीं होगा, पूरा दिन चलाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और इसका शाफ्ट भी थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए इसका ये प्लस पॉइंट है, सारा सारा बिल्कुल प्लस पॉइंट है असली। दोस्तों इस मोटर को अगर हम पूरा दिन चलाएंगे 12-12 घंटे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि इसके अंदर कार्बन ब्रश लगा हुआ है, मोटर गर्म होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। और इसका आरपीएम थोड़ा लो है लेकिन टॉर्क हाई है, तो जिसकी वजह से हम कोई फैन चला सकते हैं या फिर कार बना सकते हैं। लोडिंग के लिए ड्रिल मशीन भी छोटा मोटा बना सकते हैं, काम चल जाएगा इससे। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये काफ़ी तेज हवा दे रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से, और थोड़ा सा भी मोटर गर्म नहीं हो रहा, जबकि दोस्तों इसमें जैसे ही फैन लगाया मैंने जल गया यहाँ पर हाथ, इतना ज़्यादा वोल्टेज ओवरलोडिंग की वजह से ये मोटर ख़राब होने वाला था। तो इस तरह से दोस्तों ये बेसिकली ये वाला मोटर काम करता है, बहुत अच्छी हवा दे रहा है दोस्तों, थोड़ा सा भी गर्म नहीं हो रहा है, चाहे जितना देर हम इसको चलाएंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करता है, थोड़ा सा इसकी स्पीड कम है लेकिन अच्छा है, जितना है बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसलिए ये मोटर बहुत अच्छा तरीके से काम करेगा। और हाँ दोस्तों अब बात करते हैं ये दोनों मोटर का कौन सा अच्छा है, कौन सा बेहतर है, कौन सा सस्ता है, कौन लंबा समय तक चला सकते हैं। दोस्तों देखो ये वाला मोटर आपको 25-30 रुपए का इजीली मिलेगा और ये वाला मोटर आपको 22 रुपए का मिलेगा, क्योंकि मैं 22 रुपए का लोकल मार्केट से लेकर आया हूँ। और दोस्तों ये वाला मोटर आप इसको चलाओगे चाइना वाले को तो आप 1 से 1.5 साल आप आसानी से चला सकते हो, और 12-12 घंटे लगातार पूरा दिन भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि गर्म होना ही नहीं है इसको। और कोई कार बना सकते हो, ड्रिल मशीन बना सकते हो या फिर हेड ट्रिमर ही बना सकते हो, अच्छे तरीके से काम करेगा। जबकि दोस्तों ये वाला जो अपने इंडिया का मोटर बना हुआ है, ये मोटर में थोड़ा सा हमारा इंडिया का भले ही बना है लेकिन ये मोटर की क्वालिटी नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पर देश की मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं मोटर की कंपेयर कर रहा हूँ। तो ये वाला मोटर दोस्तों इसका आरपीएम तो बहुत ही हाई है लेकिन इसका टॉर्क बहुत लो है, जिसकी वजह से इसका हम कोई लोडिंग चीज नहीं चला सकते, यहाँ तक ये वाला जो छोटा सा फैन है ये भी हम चला नहीं सकते हैं। और इसके अंदर जो कमी है, ये जो इसका ब्रश लगा हुआ है, ये नॉर्मल सा ब्रश लगा हुआ है, पत्ती का बना हुआ है, जिसके वजह से दोस्तों इसको हम लंबे समय तक चला नहीं सकते, ओवर वोल्ट। तो दोस्तों फाइनली इतना सारा कुछ टेस्टिंग करने के बाद फाइनली हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि दोस्तों ये वाला मोटर आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आपको कार बनाना है, आपको फैन बनाना है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है जिसपे थोड़ा सा लोडिंग भी रहेगा और अच्छे तरीके से चलेगा, और ये वाला बहुत बेस्ट मोटर है, सस्ता भी रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको हेड ट्रिमर में लगाना है तो ये वाला मोटर बेस्ट रहेगा आपके लिए, और वैसे अगर आपको फैन बनाना है या फिर कार बनाना है तो इसके लिए बिल्कुल भी बेकार मोटर, ये वाला काम नहीं करेगा, तो इसलिए ये मोटर बिल्कुल से ठीक नहीं है। इसको हम सिर्फ 1 से 1.5 मिनट चला पाएंगे अगर हमें एक फैन चलाना है, उसके बाद ये मोटर ऑटोमेटिक, इसका पत्ती जो लगा है ब्रश, ये ऑटोमेटिक जल के ख़त्म हो जाएगा और ये मोटर ख़राब हो जाएगा फाइनली। लेकिन ये वाला मोटर आप 12-12 घंटे लगातार चलाओगे 12 वोल्ट पे भी तो कोई ख़राब नहीं होने वाला, अच्छे तरीके से काम करेगा। तो इसलिए दोस्तों ये वाला मोटर बहुत बेस्ट है, सस्ता भी है और काम चलाऊँ है तो चाइना का, लेकिन काम बहुत अच्छे तरीके से करता है, तो इसलिए ये वाला मोटर मेरा फेवरेट है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि इसका टॉर्क जो है यही सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगती है, क्योंकि टॉर्क हाई रहेगा तो कोई भी चीज़ हम चला सकते हैं, बना सकते हैं, आराम से चलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को इनमें से दोनों में से कौन सा मोटर ज़्यादा पसंद आया आप लोग बताइए कमेंट करके। और आज का वीडियो हम यहीं पर समझते हैं, हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नए वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।